इस लेसन में हम इन्यूमरेट फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और मैं आपको बताऊंगी कि इन्यूमरेट फंक्शन कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ये बहुत इजी है। देखिए, यहाँ मैंने एक वेरिएबल तैयार किया है नेम्स, और उसको मैंने एक लिस्ट असाइन की है जिसमें मोहम्मद, रजा, पूनम, अली। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको प्रिंट कर लें, तो ये तो बहुत इजी है कि ये आप लिखेंगे प्रिंट नेम्स और ये चारों नाम आ जाएंगे। लेकिन अब मैंने यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि आपने प्रिंट करना है ये नाम जिसमें रजा नहीं आना चाहिए, मोहम्मद, पूनम, अली प्रिंट हो, बाकी रजा प्रिंट ना हो। तो आप क्या करेंगे, आप एक फॉर लूप बनाएंगे और उसमें हम कुछ कंडीशन सेट कर देंगे। लेकिन याद रहे, ये लिस्ट है तो हम इसकी काउंटिंग जब करेंगे तो वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये है इंडेक्स और हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3। तो हम कैसे बनाएंगे, फॉर आई इन रेंज 0। देखें, 0 से स्टार्ट हुआ लेंथ नेम्स। लेंथ फंक्शन भी हम लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं लिखूंगी इफ आई इज नॉट 1, यानी 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, 0 1 प्रिंट कर दे नेम, और नेम के नेम्स के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखना है जो कि इस इंडेक्स की वैल्यू है। इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ, बिल्कुल ठीक, आपके पास ये तीनों नाम आ जाएंगे, मोहम्मद, पूनम, अली, रजा नहीं आएगा। आप यहाँ ट्राई करके देख लें, अगर आपको पूनम नहीं चाहिए तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ अगर आपको अली नहीं चाहिए तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। कभी भी गलती से 1, 2, 3, 4 नहीं करें, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सिंपल करके अगर लिखना चाहूँ तो हम इन्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि देखें यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ मैंने लेंथ भी फंक्शन यूज किया है। ये भी आप मे बी कि अगर आप भूल जाएं तो इन्यूमरेट फंक्शन पे चलते हैं। सेम मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, सेम रिक्वायरमेंट है कि रजा आपने प्रिंट नहीं करना। फॉर इंडेक्स ये आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आपने कुछ और लिख के ट्राई जरूर करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंडेक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ इंडेक्स ही यूज किया है। आइटम इन इन्यूमरेट, देखें दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि आइटम इन इन्यूमरेट, यहाँ आपने इन्यूमरेट का वर्ड यूज करना है। यहाँ हमने क्या कहा था, इन रेंज लगाई थी, इन इन्यूमरेट, और उसके बाद सिंपल आपने वेरिएबल्स का नाम लिख दे। इफ इंडेक्स इज नॉट 1, ये दोनों सेम है। प्रिंट आइटम, जो भी आपने यहाँ यूज किया है वर्ड वो आपने यहाँ लिखना है, प्रिंट आइटम। और यहाँ क्या था, प्रिंट नेम्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने आई लिखा। तो ये बहुत मोर और लेस सेम है, लेकिन इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, आप भूल नहीं जाएंगे कि कहाँ आपने लेंथ पे लिखना था। और देखें, पूनम, मोहम्मद, पूनम, अली तीनों आपके पास आ गए, लेकिन रजा नहीं आया। एक और एग्जांपल मैंने छोटी सी सेट की है आपके लिए। देखें, यहाँ मैंने फ्रूट अंडरस्कोर नेम्स एक वेरिएबल लिखा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड बनाना। फॉर इंडेक्स सेम थिंग, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4 है, राइट? तो इंडेक्स है, इसलिए मैंने इंडेक्स लिखा। कुछ भी आप करके देख लें। आइटम इन इन्यूमरेट, याद रखें यहाँ पे इन के बाद इन्यूमरेट का वर्ड यूज करना है आपने, और उसके बाद ये वेरिएबल्स लिख दें। कौन सा आपको नहीं चाहिए आइटम, 2, कभी आप इसको नहीं कहेंगे कि मैंगो 2 है, ऑरेंज 2 है, 0, 1, 2 सारे प्रिंट हो जाए लेकिन ऑरेंज नहीं आए, आप करके देख लें, आपके पास आ जाएगा एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, बनाना। अगर मैं चाहती हूँ कि बनाना ना आए तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, इसको हम 4 करके देख लेते हैं। देखिए 4 कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे और हमारे पास बनाना इसमें से रिमूव हो गया। तो इन्यूमरेट फंक्शन थोड़ा सा आपके काम को और ज्यादा सिंपल कर देता है। अब आपने कुछ वेरिएबल्स तैयार करने हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडेक्स 0 से काउंट होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।